शिवराज, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तो मतदाता यहां पहुंच रहे हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या रुख लग रहा है मतदाताओं का, किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट पड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे जो मतदाता है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है, उनका साफ तौर से कहना कि मैं शिक्षा के मुद्दे पर ही मतदान करने आया हूँ। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर ये जो सबसे अच्छा मतलब जो काम करेगा उसको उनका मत रहेगा। बिल्कुल, आपका मैं रुक करूंगी, प्रांजल भी मेरे साथ बने हुए पीलीभीत से। प्रांजल, पीलीभीत की अगर जनता की हम बात करें तो कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? आप लगातार सुबह से यहाँ बने हुए हैं, मतदाताओं की संख्या भी अब तो कम हो गई है, पीलीभीत में कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? जी, पीलीभीत में 9 बजे तक जो है 10.62% जो है वोटिंग अब तक हो चुकी है यहाँ पर। वही आपको बात बताएं कि जिस तरीके से लोगों की वो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तो काफी भीड़ बढ़ी, और लेकिन अब जो है 9 बजे के बाद से भीड़ जो है काफी हद तक कम होने लगी है, अभी लोगों का आना जो है शुरू नहीं हो पा रहा है। जी, क्या वजह हो सकती है? वजह तो कुछ भी हो सकती है, फिलहाल लोग घर से निकल रहे हैं और निकल के जो है मतदान केंद्र अपने अपने बूथों पर लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो सामने जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक बूथ में जो है काफी लंबी लाइन है, तो दूसरी तरफ जो है लाइन छोटी है और तीसरी तरफ लाइन उससे भी छोटी है।